नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। श्राद्ध कर्म के दौरान रामचरित गोष्ठी का आयोजन। नावकोटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पासारा गांव में भाजपा नेता बुद्धू सिंह की धर्मपत्नी राम तुनुक देवी ने के श्राद्ध कर्म में अवसर पर जिला रामचरित मानस प्रचार गोष्ठी के द्वारा रामचरित मानस गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी संघ के जिला अध्यक्ष रामबलि सिंह ने अध्यक्षता की। बिहार राज्य मंत्री भरत व्यास ने संबोधित करते हुए कहा कि रामचरित मानस में संसार के सारे गुण मौजूद हैं। भगवान राम ने जहां एक ओर साधु संतों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर पापियों का नाश भी किया। पुरुषोत्तम राम ने धैर्य की प्रकाष्ठा का परिचय देते हुए अपार शक्ति के बाद बावजूद समुद्र से रास्ता मांगने के लिए विनती की और रावण को भी संभलने का मौका दिया। आदर्श राजा राम के जीवन से आज के लोकतांत्रिक राजाओं को शिक्षा लेने की जरूरत है। जिला अध्यक्ष ने गोष्ठी में संबोधित करते हुए कहा कि रामचरित मानस केवल धर्म ग्रंथ नहीं, इसमें धर्म नीति, राजनीति और कर्म नीति का उपदेश भी है। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन भी रखा। गोष्ठी को पूर्व विधायक श्री कृष्ण सिंह, राज्य संगठन मंत्री राम नरेश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष हरे राम पासवान, राम बाबू सिंह, ब्रोनी प्रखंड मंत्री प्रोफेसर हरिनाथ राय, मंझोल अध्यक्ष मीना देवी सहित अन्य रामचरित मानस के मर्मज्ञ वक्ताओं ने संबोधित किया। नावकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।